आज का प्यारो जो विषय है, जो बात को आज हम सीखना चाहते हैं, वो है आपके पास जो कुछ भी है वह जीतने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। हमें लगता होगा कि मेरे पास जो होना चाहिए नहीं है, या तो जो है वो सामान्य है, दूसरों के पास काफ़ी कुछ बातें ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। आप अपने पास जो भी है शायद हो सकता है उसको लेकर दुखी होंगे, लेकिन प्यारो आज हम सीखना चाहते हैं हमारे पास जो भी है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो सामान्य हो, उसके द्वारा भी प्रभु हमें विजयवंत बना सकते हैं। हालेलुया। आज भी हम पहला समूएल 17वां अध्याय, उसमें जो दाऊद और गोलियात के बीच लड़ाई हुई, वहीं से वही शास्त्र भाग से वचनों से हम इस बात को सीखेंगे। वॉट एवर यू हैव इज इनफ टू बी विक्टोरियस। आपके पास जो भी है प्यारो वो विजेता होने के लिए काफ़ी है। कई लोग प्यारो यह मान लेते हैं कि मैं जीवन में कुछ खास नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी खास चीजें नहीं है, मेरे पास जो होना चाहिए वो नहीं है, और इसी कारण मैं जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाऊंगा, मैं विशेष विजय को नहीं देख पाऊंगा, मैं विशेष सफलता को नहीं देख पाऊंगा, मैं मेरी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी खास कुछ भी विशेष नहीं है। आप में से हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरे पास कोई विशेष खूबी नहीं है, कोई विशेष डिग्री नहीं है, खास पैसे नहीं है। दूसरे के पास देखता हूँ बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कई लोग आप में से ये सोचते होंगे कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, लुक जो दिखाव होना चाहिए अच्छा वो नहीं है मेरे पास। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझ में कोई ऐसी विशेष प्रतिभा कौशल नहीं है, ताकत या तो बल नहीं है। आप इन चीजों के बारे में जब सोचते होंगे आपको लगता होगा इन बातों की कमी के कारण, या तो ये मुझ में नहीं होने के कारण या तो कम होने के कारण मैं विजय को नहीं देख सकूंगा। लेकिन प्यारो आज हम आपसे कहना चाहते प्यारो, इन सभी बातों की कमी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपको विजयवंत बना सकते हैं। हालेलुया। प्यारो आप में से कई लोग होंगे जो दूसरों की ओर जब देखते हैं आपको लगता है कि दूसरों के पास बहुत कुछ है, उनके पास अच्छी डिग्री है, उनके पास काफी पैसे है, उनके पास जान पहचान है, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप जब अपनी ओर देखते हो आपको लगता है मेरे पास वो बातें नहीं है, मुझ में उतना बल मुझ में उतना ज्ञान मेरी इतनी जान पहचान मेरे पास नहीं है। आप दूसरों को जब देखते होंगे, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते होंगे, आप और भी दुखी हो जाते हो और आपको लगता है मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। आप में से कई लोगों ने प्यारो काफी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ विशेष आप हासिल नहीं कर पाए। आपने मेहनत की, प्रयत्न कर रहे हो, काफी साल आपने बिताए, लेकिन कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ, और जो भी हासिल हुआ है वो कुछ खास नहीं है, सामान्य है, छोटा है। लेकिन प्यारो हम आज आपको कहना चाहते हैं वो ही सामान्य बातों के द्वारा परमेश्वर असामान्य और अद्भुत विजय को आपको जरूर देंगे। आमेन। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या सोच रहे हो, मैं विशेष नहीं हूँ, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, खास नहीं है, तो ये वचन आज का वचन आपके लिए है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास जो भी है, छोटा हो कम हो सामान्य हो, फिर भी भले वो हमारी दृष्टि में कुछ खास ना हो, लेकिन फिर भी उन सामान्य लगती बातों के द्वारा परमेश्वर हमें विजयी और आशीषित जीवन दे सकता है। हालेलुया। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में कहे आमेन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है वह जीतने के लिए
पर्याप्त है। दुखी मत होइए, निराश मत होइए, दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को दुखी मत करें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो है वो थोड़ा है या तो सामान्य है। आप अपने आप को दुखी मत करिए प्यारो। आज हम वचन से सीखेंगे, जो भी आपके पास है उसके द्वारा ही प्रभु आपको अद्भुत विजयों में ले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आज के विषय में जाए उससे पहले एक लड़की के जीवन के द्वारा प्यारो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिसके जीवन में भी बस यही बातें बनी। ये जो लड़की हो गई प्यारो वो जापान की लड़की थी, और ये लड़की बचपन से ही अपने मम्मी को बहुत प्यार करती थी। मम्मी के बहुत ही वो क्लोज थे, मम्मी के बहुत ही वो नज़दीक थी। काफ़ी कुछ समय वो अपने मम्मी के साथ बिताती थी प्यारो, और इसके कारण मम्मी के साथ वो काफ़ी हद तक इमोशनली अटैच थी, जुड़ी हुई थी प्यारो। लेकिन एक दिन इस लड़की के जीवन में एक दुखद घटना घटी प्यारो, उसके मम्मी की मृत्यु हो गई। उसने अपने मम्मी को गवा दिया, वही माँ जो उसके एकदम नजदीक थी, वही माँ जो उसका सब कुछ थी, वही माँ जिससे वो दिन रात बातें किया करती थी और जिसके कारण वो खुश रहती थी, वही माँ को प्यारो इस लड़की ने गवा दिया, और इसके कारण वो निराशा में चली गई, और वो हमेशा प्यारो रोया करती थी, अपने आप को कमरे में बंद कर देती और घंटों तक रोया करती थी। अपने मम्मी का फोटो वो अपने हाथों में लेती थी और अपनी अब मम्मी का फोटो देखकर वो उसे देख देख कर बार बार रोया करती थी प्यारो। और ये लड़की कई बार जब परिवार के लोग मिलते, खुशी मनाते, उनके पापा गिफ्ट्स लाते ताकि ये लड़की का दिल खुश हो, वो अपनी परिस्थिति से बाहर आए, काफ़ी कुछ प्रयत्न करने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से अपने दर्द को, दुख को दूर नहीं कर पा रही थी। वो दुखी ही रहती, चाहे उनके पापा कुछ भी करे, चाहे उनका परिवार कुछ भी करे, उनके लिए गिफ्ट लाई जाती थी, उनके लिए काफ़ी कुछ किया जाता, फिर भी ये लड़की दुखी रहती थी। रात को प्यारो जब सब सो गए होते थे, ये लड़की रोती थी, वो रात को चैन से सो नहीं पाती थी प्यारो। सब आराम से सो जाते, ये अपनी पथारी में, अपने बेड में रोती रहती थी प्यारो। और ये निराशा के कारण, ये डिप्रेशन के कारण ये लड़की ने अपने जीवन का अंत लाने के लिए विचार किया, और कई बार इसने सुसाइड अटेम्प्ट किए, अपने आप को मार डालने के लिए कई बार प्यारो इस लड़की ने प्रयत्न किए। बार बार वो निष्फल गई, लेकिन एक आखिरी प्रयत्न उसने किया, और ये बार उसने बहुत पक्का प्लान किया था। वो रेलवे स्टेशन गई, उसने ऐसा समय नक्की किया, तय किया, जब बहुत ही कम भीड़ रहती थी और कम भीड़ हो, वो समय पर वो प्लेटफॉर्म पर गई, ट्रेन की वेट कर रही थी कि कब ट्रेन आए और उसके आगे कूद जाऊं। और जैसे ही उसने देखा कि ट्रेन आ रही है, तुरंत वो उठ खड़ी हुई और स्पीड में आती हुई ट्रेन के आगे वो कूद गई प्यारो। लोग चिल्लाते रह गए, अचानक से ट्रेन की ब्रेक्स की आवाज आई, और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब ये लड़की की आंखें खुली तब वो हॉस्पिटल में थी। परमेश्वर की दया से लड़की बच गई, लेकिन उसके ऊपर काफी कई ऑपरेशन किए गए प्यारो। और जब भी वो होश में आई, उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसने देखा कि उसके एक हाथ में सिर्फ तीन उंगलियां है, सिर्फ तीन उंगलियां। उसने अपने दूसरे हाथ की ओर देखा, लेकिन वो अपना दूसरा हाथ गवा चुकी थी प्यारो। उसने अपने पैरों की ओर देखा, और जब पैरों की ओर देखा, उसने पाया कि वो अपना एक पैर भी गवा चुकी है प्यारो। ये लड़की ऑलरेडी अपने जीवन में हार मान चुकी थी, उसे लगता था उसके माँ को खो देने के बाद अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं रहा। और जब उसने प्रयत्न किया कि अपने जीवन का वो अंत ला दे, वो बच गई, और उसके पास अब जो था वो भी उसने गवा दिया,
अपना एक हाथ गवा दिया, पैर गवा दिया, एक हाथ में सिर्फ तीन उंगलियां। अब ये सामान्य भी नहीं रही थी, सामान्य लोगों के पास जो होता है दो हाथ पैर वो भी इसके पास नहीं था प्यारो। अब ये क्या करे? उसने प्यारो फिर से हॉस्पिटल में आत्महत्या का प्रयास शुरू किया। जो पेन किलर उसे दी जा रही थी वो पेन किलर वो इकट्ठी करने लगी, ताकि काफी मात्रा में जब पेन किलर इकट्ठा हो जाए एक साथ उसका हैवी डोज लेकर वो फिर से अपने जीवन का अंत ला दे। प्यारो वो एक साइड ये सोच रही थी कि अब मुझे फिर से जीवन का अंत ला देना है, लेकिन यही लड़की जो अब सामान्य भी नहीं रही थी, जब उसके पास जो सामान्य व्यक्ति के पास होता है वो भी नहीं था, हाथ पैर भी नहीं थे, प्रभु ने उसके लिए एक योजना बनाए रखी थी। प्यारों प्रभु ने अपने एक दास को उसके पास भेजा। वो कुछ स्टूडेंट थे, वो परमेश्वर का दास और कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर उसके पास हॉस्पिटल में उसे मिलने आए, परमेश्वर की बात उसको बताने लगे, उसको प्रोत्साहित करने लगे कि भले तेरे पास कुछ भी नहीं है, भले तू काफी कुछ गवा चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास तेरे लिए योजना है, फिर भी तेरे हारे हुए जीवन को परमेश्वर विजयों की ओर ले जा सकता है। भले तेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, तेरे एक हाथ में तीन उंगलियां है, जो सामान्य बातें लोगों के पास है वो भी तेरे पास भले ही ना हो, प्रभु फिर भी तेरे जीवन को विजयवंत जीवन बना सकता है। हालेलुया। प्यारो शुरुआत में ये लड़की परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम करना शुरू किया। वो परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करती गई, वचनों को पढ़ती गई, और जैसे जैसे परमेश्वर की बातों के ऊपर उसने विश्वास किया, प्रभु ने उसको उठाना शुरू किया। प्रभु ने उसको उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को ले लिया। प्यारो अब ये लड़की पूरी रीति से बदल चुकी थी। प्यारो उसने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वो निराश नहीं रहती थी, अब वो सिर्फ रोया नहीं करती थी। उसने भले ही वो अपना पैर खो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर की ओर से बल पाकर फिर से अपने पैर पर खड़ा होना शुरू किया। परमेश्वर का दास उसे मदद करता था। प्यारो उसे अब जीवन का एक नया उद्देश्य मिला। वो भले ही दूसरे लोगों के समान सामान्य नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था, एक हाथ था, दूसरे हाथ में सिर्फ तीन उंगलियां और एक पैर, भले वो सामान्य नहीं थी, सामान्य शरीर भी उसके पास नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को उसने इस्तेमाल में लाना शुरू किया। वो बच्चों को पढ़ाने लगी प्यारो, और आपको पता है प्यारो ये ही लड़की के जीवन के ऊपर मूवी भी बनी, किताब भी लिखी गई, और ये लड़की का नाम है योनेको। और ये किताब और ये मूवी में योनेको के साथ एक दूसरा टाइटल जोड़ा गया, वो था डॉटर ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता की बेटी। वो ही लड़की जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, अपने माँ को तो गवाया ही गवाया, लेकिन जब सुसाइड अटेम्प्ट से वो बच गई, उसका एक पैर उसने गवा दिया, उसका एक हाथ गवा दिया, एक हाथ में सिर्फ तीन उंगलियां है, जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास जो होता है वो भी उसके पास नहीं था, फिर भी कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी इस लड़की को परमेश्वर ने विजयवंत जीवन दिया। हालेलुया। वो ही पास्टर से इस लड़की की शादी हुई, और ये ओरिजिनल उनका फोटो है प्यारो। परमेश्वर ने उनको पारिवारिक जीवन में भी स्थापित किया, दो बेटियों का आशीष भी परमेश्वर ने ये योनेको को दिया। प्यारो प्यारो परमेश्वर अगर योनेको को, जिसके पास सामान्य हाथ और पैर भी नहीं थे हम मेरे और आपके समान, उठाकर इस जीवन को विजयवंत बना सकता है, मेरे और आपके जीवन में वो क्यों ना काम करेगा। हालेलुया। जिसके पास सामान्य व्यक्ति के समान
हाथ और पैर भी नहीं थे, प्रभु ने उसको योनेको को भी जीवन में विजयवंत और आशीषित किया। हालेलुया। प्यारो, मैं और आप जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे हमारे पास जो है वो बहुत कम हो, बहुत थोड़ा हो, बहुत सामान्य हो, लेकिन जो भी है, जैसे भी है, परमेश्वर हमें उठाकर विजयवंत बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पास है तो हमारे पास जो कुछ भी है, भले वो सामान्य बातें हो, लेकिन फिर भी वह जीतने के लिए पर्याप्त है। भले जो भी थोड़ा है प्यारो, निराश मत होइए, दुखी मत होइए, दूसरों को देख निराश होते हुए ये मत कहिए मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी आपके पास है प्यारो, प्रभु उसके द्वारा भी आपके जीवन को आशीषित और विजयवंत करेगा। ये आज दाऊद के जीवन से भी यही बात को हम सीखना चाहते हैं। दाऊद के जीवन में प्रभु ने कैसे ये बात को, इस वचन को पूरा किया। आए परमेश्वर के वचनों से हम इस बात को पढ़े, पहला समूएल और उसका 17वां अध्याय और 38 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला समूएल 17वां अध्याय और 38 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब साऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रखा और झिलम उसको पहनाया और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने साऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। जब दाऊद गोलियात के साथ युद्ध करने जा रहा था, तब सामान्य योद्धा के पास जो टोप रहता है, बख्तर रहता है, तलवार रहता है, वो सामान्य चीजें, सामान्य शस्त्र भी दाऊद के पास नहीं थे। जब साऊल ने ये सामान्य लगते शस्त्र, जो सबके पास होने चाहिए, हर एक योद्धा के पास होने चाहिए, दाऊद को दिए, दाऊद से चला नहीं गया। और प्यारो, ये दूसरा एक पिक्चर हम आपको बताना चाहते हैं प्यारो, जब दाऊद को ये शस्त्र दिए गए होंगे, तब ऐसा कुछ हुआ होगा, वो तो अभी लड़के जैसा था, उसे पहनकर, वो शस्त्रों को पहनकर वो ठीक से चल भी नहीं पाता था प्यारो। दाऊद को जो शस्त्र दिए गए थे वो राजा के खुद के थे, विशेष थे, लेकिन दाऊद उसके साथ चलने में असमर्थ था और इसीलिए उसने उन्हें उतार दिया और अपने सामान्य लगते शस्त्रों को ले लिया। अब उसके पास कुछ विशेष नहीं है, राजा का तोप, राजा का बख्तर, राजा की तलवार, सब कुछ उसने बाजू पर रख दिया। अब उसके पास कुछ विशेष नहीं रहा, अब उसके पास जो है वो उसके सामान्य शस्त्र है। कौन से सामान्य शस्त्र प्यारो? वो ही गोफन, कुछ पत्थर जो वो उसके साथ ले गया था। क्या दाऊद सामान्य लगते शस्त्रों से जीत सका? हाँ, जरूर जीत सका प्यारो। हम जैसे जानते हैं, पहला समूएल 17वां अध्याय और आइए इस आयत को मिलकर पढ़े। जब सामान्य शस्त्रों को लेकर दाऊद युद्ध भूमि में गया, गोलियाह जैसे बड़े शत्रु के पास गया, तब क्या हुआ? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, लाठी है उसके हाथ में, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, 5 चिकने पत्थर लिए, लाठी ली और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट चला। 5 चिकने पत्थर, लाठी और गोफन प्यारो। और फिर क्या हुआ? आइए इस आयत को भी हम मिलकर पढ़े, पहला समूएल 17वां अध्याय और 49 आयत। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के
भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। दाऊद ने प्यारो ये नहीं सोचा मेरे पास तो कोई विशेष शस्त्र नहीं है, राजा जैसा सैनिक जैसा तोप नहीं है, बख्तर नहीं है, तलवार नहीं है, ये सामान्य शस्त्रों से गोफन से पत्थर से ये झोला लेकर मैं गोलियात के सामने लड़ने जा रहा हूं, पता नहीं विजयवंत होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे विजय मिलेगा या नहीं मिलेगा। दाऊद ने ये नहीं सोचा, वो जानता था भले मेरे पास जो है वो सामान्य है, भले मेरे पास जो है लोग उसको देखकर हंसेंगे, ये गोफन और पत्थर लेकर गोलियात से लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे पास जो भी है उसके द्वारा भी मुझे विजयवंत बना सकता है। हालेलुया। दाऊद को ये विश्वास था कि तलवार तो बख्तर मुझे विजयवंत नहीं बनाता, मेरे पास जो परमेश्वर है जिंदा खुदा है वो मुझे विजयवंत बनाता है। हालेलुया। आपको और मुझे याद रखना है प्यारो, हम हमारी योग्यता से और हमारे पास जो है विशेष चीजें विशेष पैसे विशेष पहचान विशेष बैंक बैलेंस, हम उससे विजयवंत नहीं बनते प्यारो, लेकिन प्यारो आखिर में वो परमेश्वर है जो हमें विजयवंत बनाता है। हालेलुया। भले हम सामान्य रहे, भले हमारे हाथ में जो है वो सामान्य हो, लेकिन परमेश्वर उन सामान्य चीजों का उपयोग करके भी हमें विजयवंत बनाता है। हालेलुया। गोफन और पांच पत्थर, लोग हंसते और हंसे भी होंगे जब उसको तलवार और बख्तर और तोप पहनकर चला नहीं गया होता, नहीं गया होगा, तब लोग हंसते होंगे उसके ऊपर, लेकिन दाऊद ने भरोसा रखा भले मेरे पास सामान्य चीज है, सामान्य हथियार है, दूसरों के पास राजा के पास सैनिकों के पास जो होता है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जिंदा खुदा है जो मुझे विजय देगा। और सही में हुआ भी ऐसा, सामान्य शस्त्रों को लेकर वो युद्ध भूमि में गया और परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाया। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने दाऊद को सामान्य लगते हथियारों के द्वारा असामान्य और अद्भुत विजय दिया। हालेलुया। प्यारो, क्या आप भी यही मानकर निराश होकर बैठे हो कि आपके पास कोई खूबी नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं, पैसे नहीं, ज्ञान नहीं, पहचान नहीं है, लुक नहीं है, प्रतिभा या तो कौशल नहीं है, ताकत या तो बल नहीं है? प्यारो, क्या आप आज ये सोचकर निराश होकर बैठ गए हो कि दूसरों के पास ये सब है, मेरे पास ये नहीं है, और इसलिए मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं देखूंगा, मैं मेरे जीवन में हार को देखूंगा, मैं विजय को नहीं देख पाऊंगा? क्या आप ये सोचकर बैठे हुए हो कि आपके पास जो होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आप विजयवंत नहीं होंगे? प्यारो, हम आज आपको कहना चाहते हैं भले ही आपके पास जो है वह सामान्य हो, कम हो, थोड़ा हो, फिर भी परमेश्वर आपको विजयी बना सकता है। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे भले ही मेरे पास जो है वो कम हो, थोड़ा हो, सामान्य हो, लेकिन परमेश्वर मुझे दाऊद के समान सामान्य चीजों से भी बड़े और असामान्य और अद्भुत विजयों को बता सकता है, दिखा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, मूसा के पास जो लाठी थी वो सामान्य लाठी थी, आम चरवाहों के पास जो लाठी होती है वैसे ही आम लाठी, लेकिन वो ही लाठी से प्रभु ने फिरौन को झुकाया, वो ही लाठी से प्रभु ने समुद्र के दो भाग किए, खड़क में से पानी निकाला, अपने लोगों को गुलामी से आजाद किया। सामान्य लाठी आपके पास जो है आपको सामान्य लगता है, अरे प्रभु को धन्यवाद कहे, वो ही सामान्य बातों के द्वारा प्रभु आपको असामान्य और अद्भुत विजयों को दिखाएंगे। हालेलुया। प्यारो, एक लड़का जिसके पास सामान्य भोजन था, दो मछली और पांच रोटी, उससे क्या हो सकता है, लेकिन वो ही सामान्य लगते भोजन के द्वारा
कम भोजन के द्वारा प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। प्यारो, आपके पास जो नौकरी है आपको लगता है वो बहुत छोटी है, आमदनी बहुत कम है, बिजनेस बहुत छोटा है, बैंक बैलेंस बहुत कम है, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं वो ही कम चीजों से भी प्रभु आपको विजयवंत और आशीषित जीवन दे सकता है। हमें विश्वास करना है प्यारो, प्रभु यीशु जब काना गांव में जो मैरिज था, शादी थी, जब वहां गए, वो सिर्फ पानी ही तो था प्यारो, सिर्फ पानी पर प्रभु यीशु ने आशीष दिया और श्रेष्ठ दाखरस बन गया। हालेलुया, कुछ भी नहीं था प्यारो, वो मशक में सिर्फ पानी था, सामान्य पानी, लेकिन वो ही सामान्य पानी पर जब परमेश्वर की आशीष आती है वो श्रेष्ठ दाखरस बन जाता है। जब परमेश्वर हमारी सामान्य लगती नौकरी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, स्टडी के ऊपर आशीष देता है प्यारो, तब हम उससे श्रेष्ठ में परिवर्तित होते देखेंगे। हालेलुया, आपकी सैलरी भले कम हो लेकिन वो आशीषित होगी, आपका बिजनेस भले छोटा हो वो आशीषित होगा, भले ही आप दूसरों के समान बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर नहीं घूमते, लेकिन जब उसके ऊपर प्रभु की आशीष आएगी आप श्रेष्ठ जॉब को, श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी को जरूर पाओगे। हालेलुया, सामान्य पानी यीशु के आशीष से श्रेष्ठ दाखरस बन गए। आपके पास जो भी है भले सामान्य हो, भले कम हो, लेकिन प्रभु की आशीष से वो श्रेष्ठ बन सकता है, आपके जीवनों को विजयों की ओर ले जाने वाला बन सकता है। हालेलुया प्यारो, आज भी प्रभु यीशु हमारे पास जो भी है, भले ही वो सामान्य हो, थोड़ा हो, कम हो, लेकिन उससे ही हमें बड़े विजय दिलाने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास करते हो प्यारो, आज हमने सीखा हमारे पास जो कुछ भी है वह जीतने के लिए पर्याप्त है। दुखी मत होइए, दूसरों को देखकर ये मत सोचे मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, पैसा नहीं, पहचान नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, अच्छी डिग्रियां नहीं, मैं कमजोर हूँ, ये मत सोचे प्यारो। आपके पास जो भी है वो लेकर प्रभु के पास जाए, कहिए प्रभु इसके ऊपर आशीष दो। प्रभु वो ही सामान्य चीजों के द्वारा दाऊद के समान असामान्य विजय, अद्भुत विजयों को आपको जरूर दिखाएगा। जैसे आज हमने सीखा प्यारो, योनेको के पास, सामान्य लोगों के पास जो होता है हाथ पैर वो भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे विजयवंत बनाया, वो जीवन को आशीषित किया और कई लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने। प्यारो आज विश्वास करिए, निराश मत होइए, ये मत सोच सोच करे मेरे पास क्या नहीं है, ये मत सोचिए हर पल की मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी आपके पास है, छोटी चीजें, सामान्य चीजें, उसको लेकर प्रभु के पास जाए, कहिए प्रभु इसके ऊपर तू आशीष दे, और प्रभु वो ही सामान्य बातों के द्वारा असामान्य और अद्भुत विजय आपको दिखाएंगे। आमेन। आइए हम दुआ में जाए, प्रार्थना करें। और प्यारो ये समय हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। प्यारो आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, या तो जो भी है वो सामान्य है, आप प्रभु से कहे प्रभु मैं ये सोच सोच कर अब निराश नहीं होने वाला। प्रभु जैसे दाऊद के सामान्य लगते हथियारों के द्वारा उसे अद्भुत विजय दिया, जैसे योनेको के पास सामान्य लोगों के पास हाथ पैर होते वो भी नहीं थे, फिर भी आपने उसे अद्भुत विजय दिलाया, तो मेरे जीवन में जो भी है भले वो कम हो, छोटा हो, सामान्य हो, उसके द्वारा भी प्रभु तू मुझे विजयवंत बनाने वाला। ये विश्वास जाहिर करिए प्यारो, दुखी मत होइए, दुखी होकर बैठ न जाए कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। प्रभु से कहे प्रभु मैं आज से दुखी होकर नहीं बैठूंगा, मैं हर पल ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो भी है प्रभु उसके द्वारा मैं विजयों को देखने वाला बनूंगा। जो भी मेरे पास है वो मूसा के समान सामान्य लाठी हो, वो बच्चे के समान
सामान्य भोजन हो प्रभु, सामान्य पानी हो, लेकिन उसके ऊपर जब आपकी आशीष आएगी प्रभु, वो श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रभु मुझे ये विश्वास करने का अनुग्रह दीजिए। आए प्यारों हम प्रार्थना करें, हाथ उठाकर आज आप दुआ करिए, हमारे साथ दुआ में जुड़िएगा। प्यारो परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज जैसे हमने सीखा है, हमारे पास जो भी हो वो भले सामान्य हो, कम हो, थोड़ा हो, लेकिन उसके द्वारा आप असामान्य और अद्भुत विजय को हमें दिखा सकते हो, जैसे दाऊद के जीवन में किया, जैसे योनेखो के जीवन में किया। प्रभु आज हम भी विश्वास करते हैं वो ही प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु आज से हम निराश नहीं रहेंगे। ओ परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए, हम हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं उन्हें अनुग्रह दीजिए कि हर वक्त वे ये ना सोचे कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, और ये सोच सोच कर वो निराश होकर बैठ जाने वाले ना बने। प्रभु ये विश्वास से ये लोग करें कि उनके पास जो भी है वो काफी है, कि आप उसके द्वारा उनको विजय को दिखाओ। हम यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से सारी निराशा इनके जीवनों से दूर हो जाए, सारी फरियाद इनके जीवनों से दूर हो जाए। आज से वे लोग फरियाद करने वाले नहीं, निराश होकर बैठे रहने वाले नहीं, लेकिन विश्वास करने वाले बने कि दाऊद के समान भले ही हमारे पास सामान्य चीजें, सामान्य शस्त्र भी क्यों ना हो, आप उसके द्वारा बड़े विजय को हमें दिखाओगे। प्रभु आप आपके लोगों के पास जो भी है, भले वो सामान्य नौकरी हो, वो सामान्य बिजनेस हो, सामान्य अभ्यास हो, परमेश्वर उन सभी के ऊपर आज हम यीशु मसीह के नाम में आशीषों की घोषणा करते हैं। जैसे सामान्य पानी श्रेष्ठ द्राक्षरस में बदल गया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी के लिए, इनके पास जो भी है भले ही वो सामान्य क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ में बदल जाए, इनकी इनकम श्रेष्ठ में बदल जाए, इनकी नौकरी, इनका बिजनेस, इनकी स्टडी भले ही वो सामान्य हो लेकिन वो श्रेष्ठ में बदल जाए, और वो बड़े विजय को देखे यीशु मसीह के नाम में। उनके पास जो भी है उसे हम आशीष देते हैं, और मूसा की सामान्य लाठी से जैसे बड़े काम हुए, इनके पास जो भी छोटा है, सामान्य है, उसके द्वारा बड़े आशीषों को वो देखे, बड़े विजयों को देखे, बड़े द्वारों को खुलते हुए देखे यीशु मसीह के नाम में। शैतानी ने निराश न करे, निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आज से एक नया विश्वास हम पाए कि हमारे पास जो भी हो, थोड़ा हो, सामान्य हो, कम हो, लेकिन उसके द्वारा भी आप बड़े विजयों को हमें दिखा सकते हो। हमारी दुआ यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करिए प्यारे पिता, आमेन और आमेन। परमेश्वर आप सभी को प्यारो आशीषित करे, निराश मत होए, जो भी है थोड़ा सामान्य कम जो भी है आनंद करे, उसके द्वारा भी प्रभु आपको विजयों को जरूर दिखाएंगे। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। थैंक यू।